नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं बबीता सिंह। और आई इंडिया के खास सो खबरनामे की शुरुआत हम दिन भर की बड़ी खबरों के साथ करते हैं। मंत्री नंदगोपाल नंदी को कोर्ट ने एक साल की सुनाई सजा। एससी एसटी एक्ट से जुड़ा था मामला। लखनऊ की अलाया बिल्डिंग गिरने के कारणों की जांच के लिए बनी कमेटी। पूर्व मंत्री का बेटा गिरफ्तार, 3 पर एफआईआर दर्ज। स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयान पर कायम, बोले रामायण और भगवान श्री राम पर टिप्पणी नहीं की। लखीमपुर खीरी हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा को मिली सशर्त जमानत। बायकॉट और विरोध के शोर पर दिखा पठान का जोर। कमलापुर में राष्ट्रीय युवा वाहिनी ने स्वामी प्रसाद मौर्य का फूका पुतला। लखनऊ में रानी के बीच एक और ट्रेन की सौगात, पहले से चल रही ट्रेनों का समय बदला। सीतापुर के मयूर रिजॉर्ट में 27 जनवरी को होगा इन्वेस्टर्स समिट। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नंदगोपाल नंदी को एससी एसटी एक्ट में एक साल की सजा सुनाई गई है और साथ ही इसके साथ 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। प्रयागराज के मुट्टीगंज थाने में इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी। बता दें कि 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान नंदी कांग्रेस पार्टी के लोकसभा के उम्मीदवार थे। उनके खिलाफ वेंकट रमन शुक्ल ने 3 मई 2014 में मुट्टीगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि नंदी के ललकारने पर सपा कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई थी, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया था और जान से मारने की नियत से फायर किया गया था। राजधानी लखनऊ के हजरतगंज इलाके के 5 मंजिला अलाया अपार्टमेंट के ढह जाने से जांच के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी में लखनऊ के आयुक्त रोशन जैकब, संयुक्त पुलिस आयुक्त पीयूष मोडिया और चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी को शामिल किया गया है। यह कमेटी एक सप्ताह में रिपोर्ट देगी। मामले में सपा के पूर्व मंत्री साहिद मंजूर के बेटे नवाजिश साहिद समेत 3 पर एफआईआर दर्ज की गई है। उनके पार्टनर मोहम्मद तारिक और फहद यजदानी को भी आरोपी बनाया गया है। नवाजिश को गिरफ्तार कर लिया गया है। हजरतगंज कोतवाली में आईपीसी की धारा 308, 323, 420, 120B और 7 CLA में FIR दर्ज की गई है। सपा MLC स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस पर दिए गए अपने बयान पर अड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस में दलितों पिछड़ों का अपमान किया गया है। मैंने रामायण और भगवान श्री राम पर कोई टिप्पणी नहीं की है। स्वामी प्रसाद मौर्य पर लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। इसकी तहरीर बाजार खाला के चित्ता खेड़ा निवासी व भाजपा नेता शिवेंद्र मिश्रा ने दी है। हजरतगंज पुलिस ने शिवेंद्र की इस शिकायत पर स्वामी प्रसाद के खिलाफ धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने व समाज को बांटने की धाराओं में केस दर्ज किया है। DCP सेंट्रल अपर्णा रजत कौशिक के मुताबिक मामले की जांच की जा रही है। रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य के अमर्यादित बयान देने के मामले में हिंदू संगठनों में आक्रोश है। लेटे हुए हनुमान मंदिर, पंचोटी घाट, लक्ष्मण टीला, पक्का पुल चौक में स्वामी प्रसाद के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। इस बाबत प्रवेश द्वार पर मंदिर प्रशासन में बैनर लगा दिया गया है। बरेली में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य विचित्र है। इस मामले में अखिलेश यादव को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। भगवान राम और रामचरितमानस के प्रति करोड़ों लोगों की आस्था है, उन पर टिप्पणी ठीक नहीं है। सपा सरकार में भी अयोध्या में निहत्थे कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई हैं। सीतापुर सनातन ब्राह्मण समाज द्वारा विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी अमर शिक्षा निकेतन में तहरी भोज का आयोजन किया गया। भोज का प्रारंभ विशंभर दयाल तिवारी ने भगवान परशुराम के उद्घोष व भोजन मंत्र से किया। कार्यक्रम के दौरान जिला अध्यक्ष कमलेश पांडे ने कहा कि इस तरह के आयोजन समाज में एकजुटता का संदेश देते हैं। उन्होंने कहा कि समय समय पर इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होते रहना चाहिए। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष रामदत्त मिश्रा, मंडल उपाध्यक्ष आकाश राय, शिव बालक त्रिवेदी, महेश दत्त मिश्रा, राम शंकर मिश्रा, दिनेश मिश्रा, सचिन त्रिपाठी, अमरीश दीक्षित, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, संजय पांडे, जीवेश रत्न तिवारी, विनोद त्रिपाठी, शशिकांत तिवारी, डॉक्टर राजीव मिश्रा, ओम प्रकाश मिश्रा, व्यायामपायन शास्त्री, मधु पांडे, कविता पांडे आदि प्रमुख रूप से शामिल रहे। बिस्वा विद्युत वितरण खंड में 9 बिजली चोरों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। ग्रामीण क्षेत्र के जेई आकाश वर्मा ने बताया कि इनमें से एक उपभोक्ता पर 135B के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है, जबकि शेष 8 उपभोक्ताओं पर धारा 138B के तहत
कार्रवाई की गई है। ब्लॉक कसमंडा के राजा बहादुर डॉक्टर सूरबख्श सिंह इंटर कॉलेज कमलापुर में मतदाता दिवस मनाया गया। इसमें स्काउट गाइड, एनसीसी कैडेट्स और अन्य छात्रों ने कमलापुर कस्बे में मतदाता जागरूकता रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया। इस मौके पर कॉलेज के प्रधानाचार्य राजेश कुमार श्रीवास्तव, साकिब जमाल अंसारी, राजेश द्विवेदी, अशोक कुमार सिंह, रामस्वरूप वर्मा, स्नेहलता, अल्पना शुक्ला, राघवेंद्र अवस्थी, आलोक शुक्ला, आशीष कुमार तिवारी, प्रीति मिश्रा सहित कॉलेज का अन्य स्टाफ उपस्थित रहा। परिवहन विभाग सीतापुर द्वारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर सभी कर्मियों व लाइसेंस आवेदकों को मतदान की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम को एआरटीओ प्रशासन माला वाजपेयी तथा एआरटीओ प्रवर्तन संजय कुमार गुप्ता ने संबोधित करते हुए एक एक मत का महत्व बताया। कार्यक्रम में प्रधान सहायक नीरज निगम, लेखाकार अनूप कुमार पांडे, राजीव कुमार चौबे, अनामिका विश्वकर्मा, सुनील कुमार, सतीश कुमार, संजीव सोनकर, प्रॉमिस मिश्रा, संतोष सिंह के अतिरिक्त लाइसेंस आवेदक आदि मौजूद रहे। सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत एआरटीओ परिवर्तन संजय कुमार गुप्ता द्वारा विद्यालय वाहनों की जांच की गई। उन्होंने शहर के स्टडीवेल सुमित्रा मॉडर्न स्कूल, जीडी गोयनका स्कूल समेत विभिन्न विद्यालयों के वाहनों की जांच की। जांच में अनफिट मिले वाहनों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। एआरटीओ परिवर्तन ने बताया कि कुल 12 वाहन अनफिट पाए गए हैं, जिन्हें सही कराने के निर्देश दिए गए हैं। तालगांव कोतवाली प्रभारी संतोष कुमार का बीती रात रोसा तबादला हो जाने के उपरांत कोतवाली तालगांव परिसर में विदाई समारोह आयोजित किया गया, जिसने सभी ने कोतवाली प्रभारी को माला पहनाते हुए उपहार भेंट कर विदाई दी। इस मौके पर उपनिरीक्षक देव नारायण तिवारी, मनोज गुप्ता, इखलाक हैदर, अमित पांडे, अर्जुन, नीरज सिंह, अरुण प्रकाश, महेश, बिपिन, महिला आरक्षी आरती, लक्ष्मी, पूजा, रेखा, बराती लाल, आशीष सिंह, लाला गंगासागर आदि मौजूद रहे। सिदौली तहसील परिसर में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत विभिन्न विद्यालयों के बच्चों ने रैली निकाली। तहसील परिसर में हुए विविध कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एसडीएम राखी वर्मा व न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिषेक शुक्ला ने कहा कि अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। अधिवक्ता चित्रकेश यादव, प्रदीप सिंह चौहान सहित कई लोगों ने कार्यक्रम को संबोधित किया। रैली में अमरनाथ इंटर कॉलेज, सर्वोदय विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, कन्या इंटर कॉलेज आदि विद्यालयों से सैकड़ों बच्चे शामिल हुए। इस अवसर पर तहसीलदार आरपी सिंह, नायब तहसीलदार सुरभि गौतम, कोतवाली प्रभारी आरके सिंह सहित क्षेत्र के काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। डीएम सीतापुर अनुज सिंह का साफ निर्देश होने के बावजूद लहरपुर के गौरैया प्रहलादपुर स्थित बहुचर्चित कपाड़ मंडी में ट्रैक्टर इंजन की दुकानें खुली होने की सूचना मिलते ही तहसील प्रशासन हरकत में आ गया। आनन फानन में एसडीएम अनुपम मिश्रा मौके पर पहुंचे तो भगदड़ मच गई। तमाम कबाड़ी अपनी दुकानें बंद कर भाग निकले। वहीं कबाड़ मंडी स्थित जग्गन पुत्र हसीब की दुकान, मैसर्स गुलाब स्टील इंडस्ट्रीज व मोहम्मद रफी और छोटू पुत्र मुश्ताक अली की मैसर्स स्टार ट्रेडर्स दुकान का निरीक्षण करते हुए दुकान में ताले डलवाए गए। इस अवसर पर नगर चौकी प्रभारी जयप्रकाश यादव, लेखपाल संजीव शुक्ला सहित पुलिस टीम मौजूद रही। ज्ञातव्य हो कि उप जिलाधिकारी द्वारा सोमवार को समस्त कबाड़ व्यवसायी तथा कमेटी के सदस्यों की एक आवश्यक बैठक बुलाकर बिना प्रपत्र दुकान न खोले जाने के लिए तथा गठित कमेटी द्वारा जांच के बाद ही व्यवसाय किए जाने के लिए स्पष्ट रूप से कहा गया था। सीतापुर में भाजपा के जिला कार्यालय पर जिला पदाधिकारियों की बैठक संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अचिन मल्होत्रा ने की। जिला अध्यक्ष ने कहा कि सारे पदाधिकारी तैयार हो जाएं, क्योंकि आने वाले निकाय चुनाव में पार्टी के कार्यों एवं विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम करना है। बैठक के दौरान जिला अध्यक्ष अचिन मल्होत्रा द्वारा आगामी 27 जनवरी को प्रत्येक विधानसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के तहत होने वाली कार्यक्रम पर चर्चा की गई। जिला मीडिया प्रभारी पवन सिंह शिल्पी ने बताया कि इस बैठक में प्रमुख रूप से जिला उपाध्यक्ष संजय मिश्रा, नैमिश रतन तिवारी, करुणा शंकर त्रिपाठी, सुधाकर शुक्ला, नीरज वर्मा झल्लर, जिला महामंत्री विश्राम सागर राठौर, राजेश शुक्ला, रोहित सिंह, रमेश भार्गव, दीपू अग्रवाल, जिला मंत्री जया सिंह, सुधीर सिंह, संजय वर्मा, राजकुमार अग्रवाल, कोषाध्यक्ष अजय विश्वकर्मा, कार्यालय प्रभारी जितेंद्र मल्होत्रा सहित बीजेपी पदाधिकारी मौजूद रहे। सोशल मीडिया पर बायकॉट के शोर और सीतापुर में राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना द्वारा फिल्म नहीं चलने देने की धमकी दिए जाने के बावजूद शाहरुख खान की पठान फिल्म पहले दिन ही बड़ी संख्या में दर्शकों को सिनेमा हॉल तक खींचने में कामयाब रही। सीतापुर के एससीएम से लेकर महमूदाबाद के ज्ञान सिनेमा पर भी भारी भीड़ नजर आई। हालांकि विरोध की घोषणाओं के चलते शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए
भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। यही नहीं, सीतापुर में उग्र विरोध की आशंका को देखते हुए राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू को पुलिस ने पहले ही हाउस अरेस्ट कर दिया था। ब्लॉक कसमंडा की ग्राम पंचायत छरासी मजरा रूढ़ास में उर्मिला हॉस्पिटल ताड़ीखाना लखनऊ की मालिक डॉक्टर मीता मिश्रा पत्नी डॉक्टर राकेश मिश्रा ने ओंकारेश्वर महादेव के नाम से भव्य मंदिर का निर्माण कराया है, जिसे लेकर गाजे बाजे के साथ शिव बारात निकाली गई, जो कसमंडा राज परिवार द्वारा सैकड़ों वर्ष पूर्व बनवाए गए सुप्रसिद्ध प्राचीन शिव मंदिर स्टेशन रोड कमलापुर व सुप्रसिद्ध प्राचीन राधा कृष्ण मंदिर कमलापुर में शिवलिंग व नंदी की मूर्ति ले जाकर पंडितों द्वारा वेद मंत्रों का उच्चारण करा के पूजा पाठ कराया गया और मूर्ति को लेकर मंदिर में स्थापित किया गया। इस मौके पर सीएससी अधीक्षक कसमंडा डॉक्टर अरविंद बाजपेयी, पुनीत मिश्रा, संजय पांडे, राजू पांडे, विवेक बाजपेयी, गोविंद शुक्ला, कमल किशोर मिश्रा, पुतनुआ दीक्षित, राजेश मिश्रा, संदीप शुक्ला, लक्ष्मीकांत शुक्ला, रामजी शुक्ला, सुधाकर मिश्रा, सोनू मिश्रा, रामचंद्र मिश्रा, पिंटू मिश्रा, रमेश शुक्ला, आशुतोष दीक्षित, कौशल किशोर पांडे, रविंद्र मिश्रा, महेंद्र मिश्रा, उमेश शुक्ला, संतोष शुक्ला, रामू पांडे आदि मौजूद रहे। चिल्ड्रन पैराडाइज कॉन्वेंट स्कूल समिति द्वारा संचालित मदरसा रिजवानुल उलूम मोहल्ला चौपड़ी टोला लहरपुर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर मदरसा शिक्षक मोहम्मद सुएब ने बच्चों व अध्यापकों को शपथ दिलाई। इसके साथ ही प्रखंड के साथ मतदान केंद्रों पर भी नए मतदाताओं ने उत्साह के साथ मताधिकार की प्रयोग करने की शपथ ली। परिसर में आयोजित कार्यक्रम में बच्चों ने निबंध प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया। इस मौके पर प्रबंधक महजवी, अध्यक्ष एडवोकेट एहतसाम बेग, प्रधानाचार्य सोनम खान, नजमुल हक, सबीना बानो, रहनुमा खान, निदा खान, सना खान, साहिन, सरिता मौजूद रही। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद आप देखते रहिए खबरनामा। मिश्रिक तहसील में मतदाता दिवस के अवसर पर तहसीलदार मनीष कुमार व सीओ सुशील कुमार की अध्यक्षता में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही सभी छात्र छात्राओं को शत प्रतिशत मतदान में भागीदारी करने की प्रेरणा को लेकर शपथ दिलाई गई। इस मौके पर नायाब तहसीलदार राजस्व कर्मचारी प्राचार्य डॉक्टर नीरज त्रिपाठी, डॉक्टर रचना भारती, आशुतोष यादव, मयंक मिश्रा आदि शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहीं। राष्ट्रीय युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष देव प्रकाश शुक्ला के आह्वान पर राष्ट्रीय युवा वाहिनी जिला अध्यक्ष विनय सिंह ने अपने संगठन के पदाधिकारियों के साथ कमलापुर नहर चौराहे पर बैठक की, जिसमें रामचरितमानस पर अभद्र टिप्पणी करने वाले समाजवादी पार्टी से एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला फूंक कर विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर अनिकेत सिंह, संदीप शर्मा, दिलीप मिश्रा, सौरभ शुक्ला, कमलापुर प्रताप यादव, अजय शर्मा, पवन तिवारी, अनुज मिश्रा, जितेंद्र कुमार सिंह, अरविंद तिवारी, सनी अवस्थी, सुनील सिंह, अंशु वाथम, सुनील मिश्रा, एकाग्र वाजपेयी, आलोक सिंह, ब्रजेंद्र सिंह, विपुल वाजपेयी, रवि गुप्ता आदि पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। लहरपुर तहसील के ग्राम करस्योरा में संतोष वर्मा द्वारा निराश्रित मां सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसके मुख्य अतिथि सांसद राजेश वर्मा, अति विशिष्ट अतिथि क्षेत्रीय महामंत्री अवध क्षेत्र नीरज वर्मा, कार्यक्रम अध्यक्ष राजेश शुक्ला, जिला महामंत्री, कार्यक्रम संयोजक आशीष कश्यप, क्षेत्रीय मंत्री अवध क्षेत्र भाजपा युवा मोर्चा, विशिष्ट अतिथि विधायक बिस्वा निर्मल वर्मा, निवर्तमान विधायक लहरपुर सुनील वर्मा, युवा मोर्चा के जिला मंत्री कामेश शुक्ला, उमेंद्र वर्मा रहे। अतिथियों ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए माँ के महत्व को याद किया। कार्यक्रम का संचालन आशीष कश्यप ने किया। इस अवसर पर आदित्य वर्मा, अमित वर्मा, मोहित वर्मा, अवनीश पटेल, अवनीश शुक्ला, अनीश गुप्ता, सर्वजीत वर्मा आदि मौजूद रहे। पूर्वोत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी लखनऊ द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार यात्रा सुविधा में बढ़ोतरी के लिए सीतापुर मैलानी रेलखंड पर एक जोड़ी नई सवारी गाड़ी चलाई जाएगी। इस संचालन 4 फरवरी से प्रारंभ किया जाएगा। इस नई ट्रेन के चलने से इस रूट पर पहले से चल रही अन्य रेलगाड़ियों के समय में भी बदलाव किया गया है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर सीतापुर जीआईसी के सभागार में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन तहसीलदार सदर ज्ञानेन्द्र द्विवेदी और बीएसए अजीत कुमार ने किया।
डीएम अनुज सिंह ने इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मतदान के महत्व को बताया, साथ ही सभी पात्रों को मतदाता सूची से जोड़ने का भी आह्वान किया। एडीएम रामभरत तिवारी ने समस्त उपस्थित जनों को शपथ दिलाई। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विद्यालयों की छात्राओं ने मतदाता जागरूकता से जुड़े कार्यक्रम प्रस्तुत किए। डीएम ने अधिकारियों, कर्मचारियों, बीएलओ आदि को प्रशस्ति पत्र वितरित किया। कार्यक्रम में डीआईओएस राजेंद्र सिंह, जीआईसी प्रधानाचार्य अनूप कुमार तिवारी, नायब तहसीलदार सदर महेंद्र सिंह व अन्य अधिकारी मौजूद रहे। सीतापुर विद्युत वितरण मंडल के अधीक्षण अभियंता नंदलाल के नेतृत्व में विद्युत वितरण खंड द्वितीय के अंतर्गत सिधौली कस्बे में विद्युत चोरी अभियान चलाया गया, जिसमें अधिशासी अभियंता सुधीर भारती, एई मीटर एसडीओ सिधौली एवं सिधौली ग्रामीण, एई सिधौली और सिधौली ग्रामीण तथा विद्युत पुलिस प्रवर्तन दल मौजूद रहा। चेकिंग के दौरान विद्युत चोरी करते पकड़े गए 11 उपभोक्ताओं पर एफआईआर दर्ज कराई गई, जबकि 22 उपभोक्ताओं के कटे कनेक्शन दोबारा जुड़े पाए जाने पर 138B के तहत एफआईआर की गई। वहीं 35 बड़े बकायेदारों के कनेक्शन काट दिए गए। मनरेगा योजना में इस साल 9495 करोड़ से अधिक की धनराशि खर्च कर उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर पहुंच गया है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के निर्देशन में चल रही मनरेगा योजना में अधिक से अधिक श्रमिकों को रोजगार और उनके भुगतान पर जोर दिया जा रहा है। ग्राम्य विकास आयुक्त जीएस प्रियदर्शी ने बताया कि चालू वर्ष में 9495 करोड़ से अधिक की धनराशि मनरेगा में व्यय की गई है। निवर्तमान वित्तीय वर्ष में मनरेगा में धनराशि व्यय करने में प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। तमिलनाडु और राजस्थान क्रमशः द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर है। हर साल बाढ़ में तबाही झेलने वाले सेवता विधानसभा क्षेत्र के किसानों को शासन द्वारा दी जा रही राहत अनुदान राशि का लाभ नहीं मिल पा रहा है। असली हकदार सड़कों पर ठोकर खाते घूम रहे हैं, जबकि तमाम अपात्र ही नहीं भूमिहीनों को मिली भगत कर लाभ दिया जा रहा है। यह आरोप किसानों ने सेवता विधायक ज्ञान तिवारी को सौंपे गए ज्ञापन में लगाया है और इस गड़बड़ी के लिए बिस्वा तहसील के राजस्व कर्मियों को जिम्मेदार ठहराया है। विधायक द्वारा प्रकरण से डीएम अनुज सिंह को अवगत कराया गया तो बताया गया इस मामले की जांच चल रही है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या और उत्तर प्रदेश दिवस के उपलक्ष्य में सीतापुर की जिला खेल कार्यालय द्वारा मतदाता जागरूकता दौड़ का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ युवा समाज सेवी सागर गुप्ता और भाजपा युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष अमन विक्रम सिंह ने किया। जिला क्रीड़ा अधिकारी संजीव कुमार सिंह ने सभी को मतदाता शपथ दिलाते हुए मतदान के प्रति जागरूक किया। इस दौरान मतदाता जागरूकता दौड़ और पुरुष एवं महिला ओपन वर्ग में 10 किलोमीटर की साइकिल रेस का आयोजन किया गया, जिसमें 67 बालक और 28 बालिकाओं ने भाग लिया। विजयी प्रतिभागियों को सिटी मजिस्ट्रेट अमृता सिंह ने पुरस्कृत किया। इस योजना का संचालन ताइक्वांडो प्रशिक्षक सुरेंद्र ने किया। जिला खेल कार्यालय द्वारा आयोजित मतदाता जागरूकता और साइकिल रेस कार्यक्रम में निर्णायक की भूमिका मयंक आनंद, विवेक सिंह, रवि सिंह और देश दीपक आदि ने निभाई। मतदाता जागरूकता दौड़ में अभिषेक, अतुल कश्यप और अजय यादव ने क्रमशः पहला, दूसरा व तीसरा स्थान प्राप्त किया। साइकिल रेस के पुरुष वर्ग में सोनू, गुलफाम, विकास और आलोक ने क्रमशः पहला, दूसरा व तीसरा स्थान हासिल किया। साइकिल रेस की महिला वर्ग में कोमल राजपूत, प्रिया त्रिवेदी और वंशिका ने क्रमशः पहला, दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया। इस दौरान व्यापार मंडल उपाध्यक्ष प्रदीप गुप्ता, खेल कार्यालय के देवेंद्र पाल और राहुल गुप्ता आदि मौजूद रहे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर सेक्रेट हार्ट डिग्री कॉलेज सीतापुर की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर शशिकला मिश्रा के निर्देशन में सभी छात्र छात्राओं को मतदाता दिवस की शपथ दिलाई गई। स्वयंसेवकों ने वोट डाले की थीम पर संगीत प्रस्तुत किए। स्वयंसेवकों ने समूह बनाकर मतदाता की आवश्यकता पर महत्व डालते हुए सेल्फी पॉइंट बनवाए एवं सभी छात्र छात्राओं ने आवेदन हेतु प्रेरित हो सेल्फी ली। कार्यक्रम में स्वयंसेवक मुदित, शशि शेखर, अरीशा, नित्यांश, उज्ज्वल, रिया, स्नेहा, अंशिका, शहर, ईशा, प्रखर, प्रार्थना, त्रिषा आदि उपस्थित रहे। प्रवक्ता मोहित श्रीवास्तव, डॉक्टर अशोक कुमार, ईशान शिवांगी, पंकज श्रीवास्तव आदि का विशेष सहयोग रहा। सनातन ब्राह्मण समाज के समरसता भोज में कमलेश कुमार पांडे, विशंभर दयाल तिवारी, रामदत्त मिश्रा, वैशंपायन शास्त्री, शिवबालक त्रिवेदी, आकाश राय, रमाशंकर मिश्रा, दिनेश शास्त्री, शिवबालक त्रिवेदी, आकाश राय, रमाशंकर मिश्रा, दिनेश मिश्रा, नीता शुक्ला, उमा मिश्रा, कविता पांडे, पुतान तिवारी, मिथिलेश मिश्रा, सुमन गोयल, शशि तिवारी, अजय मिश्रा,
जीवेश रत्न तिवारी आदि 260 व्यक्तियों ने सहभागिता की। सबने एक मोहल्ला एक होलिका की शपथ ली और सामाजिक समरसता कार्यक्रमों के तहत आयोजन का व्रत लिया। गणतंत्र दिवस के मौके पर पुलिस और जेल विभाग में कार्यरत विभिन्न अधिकारियों कर्मचारियों को उनकी सराहनीय सेवाओं के लिए सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान पाने वालों में सीतापुर के जेल अधीक्षक सुरेश कुमार सिंह, जेल के चालक आरक्षी लोकेंद्र शर्मा और कल्याण चंद के नाम भी शामिल हैं। वहीं पुलिस विभाग में थाना कमलापुर के इंस्पेक्टर राजकरण शर्मा, शहर कोतवाली के इंस्पेक्टर तेज प्रताप सिंह, इंस्पेक्टर तालगांव संतोष कुमार, इंस्पेक्टर मोहली अनूप कुमार, इंस्पेक्टर महमूदाबाद विजेंद्र सिंह, थाना अध्यक्ष रामपुर कला जितेंद्र सिंह और प्रभारी यातायात फरीद अहमद सहित करीब 3 दर्जन अधिकारियों कर्मचारियों को उनकी अच्छी सेवाओं के लिए विभिन्न पदकों से सम्मानित किया जाएगा। यूपी में गणतंत्र दिवस को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। प्रदेश के सामरिक और धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सिविल पुलिस के अतिरिक्त करीब 115 कंपनी पीएसी की तैनात की गई है। अफसरों को निर्देश दिए गए हैं और जिलों के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की लगातार चेकिंग की जा रही है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर प्रदेश के एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने यह संदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष 26 जनवरी के अवसर पर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक डीएस चौहान की तरफ से अभिनव प्रयोग किए जा रहे हैं। इसके तहत अन्य प्रदेश व देश से जुड़े प्रदेश के गांवों में जोन रेंज और जिले के सभी अधिकारी कैंप करेंगे और ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे जिससे कि लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना का संचार हो। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त 8 हफ्तों के लिए अंतरिम जमानत देते हुए रिहा करने का आदेश जारी किया है। कोर्ट ने आशीष मिश्रा को निर्देश दिया कि वह अपनी लोकेशन के बारे में संबंधित न्यायालय को जानकारी दे। साथ ही सर्वोच्च अदालत ने कहा कि आशीष मिश्रा या उसके परिवार ने अगर मामले से जुड़े गवाहों को प्रभावित करने या फिर ट्रायल में देरी करने की कोशिश की तो आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को जमानत देते हुए यह शर्त भी लगाई है कि वह दिल्ली NCR और उत्तर प्रदेश में नहीं रहेगा। जमानत मिलने के 1 हफ्ते बाद आशीष मिश्रा को उत्तर प्रदेश छोड़ना होगा। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेके महेश्वरी की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि आशीष जमानत अवधि के दौरान ना उत्तर प्रदेश में रहेगा और ना ही दिल्ली NCR में। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर बीती 19 जनवरी को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित कर लिया है। सुनवाई के दौरान आशीष मिश्रा के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा था कि उनका मुवक्किल बीते 1 साल से ज्यादा समय से जेल में बंद है और जिस तरह से ट्रायल चल रहा है उस तरह से इसे पूरा होने में 7 से 8 साल का समय लगेगा। सीतापुर के मयूर रिजॉर्ट में 27 जनवरी को इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाएगा। इस बारे में जिला उद्योग केंद्र के उपायुक्त आशीष गुप्ता ने बताया कि जिले को मिले 750 करोड़ लक्ष्य से कई ज्यादा गुना करीब 90 अरब रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। यूपी ही नहीं, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली के कई उद्योगपतियों ने सीतापुर और तीर्थ नगरी नैमिषारण्य में उद्योग लगाने को लेकर रुचि दिखाई है। इस इन्वेस्टर समिट में प्रशासन और उद्यमियों के मध्य संवाद करते हुए दूसरी पॉलिसी साझा की जाएगी। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री AK शर्मा के नेतृत्व में उद्यमियों को आकर्षित करने तथा निवेश के लिए आमंत्रित करने हेतु नगर विकास विभाग और इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के बीच IIA भवन विभूति खंड लखनऊ में आज इन्वेस्टर समिट के तहत सेमिनार आयोजित किया गया। इसमें 21,000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए विभिन्न कंपनियों व नगर विकास विभाग के बीच 67 MOU हस्ताक्षरित किए गए तथा 1,000 करोड़ रुपए के निवेश प्राप्त भी हुए। उद्यमियों ने नगरीय विकास के क्षेत्र में MSME, बायोफ्यूल, बायो CNG, इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा प्लास्टिक के सड़क निर्माण, सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट आदि के क्षेत्र में निवेश के लिए सहमत बनाई। नगर विकास मंत्री AK शर्मा ने इन्वेस्टर समिट को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में अर्बन सेक्टर विकास की धुरी बनता जा रहा है, इसे अब प्रदेश का ग्रोथ सेक्टर कहा जाता है। इन्वेस्टर समिट के तहत आयोजित सेमिनार में प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने कहा कि प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में विकास के लिए बहुत अधिक कार्य किया जाना है। यहाँ पर निवेश के लिए बहुत सेक्टर हैं। स्वच्छ भारत अभियान में प्रदेश में काफी बदलाव आया है, माहौल भी बदला है। IIA के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश की वर्तमान स्थिति उद्योगों के लिए बेहतर माहौल प्रदान कर रही है, इससे प्रदेश का विकास होगा और रोजगार भी बढ़ेगा।
इन्वेस्टर समिट के सेमिनार में नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु, प्रमुख सचिव अनिल कुमार, सचिव रंजन कुमार, विशेष सचिव राजेंद्र पेंसिया, निदेशक नगरीय निकाय नेहा शर्मा, विभागीय अधिकारियों के साथ IIA चैप्टर के पदाधिकारी उद्योगपति उपस्थित रहे। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।